नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो दूसरों को प्रमोट होते देख बहुत खुश होती हैं। चलिए मिलते हैं वंदना अग्रवाल जी से। नमस्कार वंदना जी। वंदना जी, जो आपकी खूबी है वो तो मैंने संक्षिप्त दर्शकों को बता दी है। मैं चाहूँगा आप अपना परिचय संक्षिप्त में हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। मैं वंदना अग्रवाल, मेरा जन्म हुआ है जबलपुर में और मेरी शिक्षा दीक्षा पूरी वहीं हुई है। तो शुरू में तो एक एवरेज जैसे स्टूडेंट होता है उस तरह शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद थोड़ा सा चेंज, एक जैसे अपन मेच्योर होने लगते हैं तो आता है, तो 9th 10th 11th हमारे हायर सेकेंडरी होता था। तो 11th में उस समय के हिसाब से मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया, 70% आया। तो किसी को विश्वास नहीं था, मतलब मेरे को भी विश्वास नहीं था। मेरे घर के लोग कह रहे बार बार देख लो, फिर से देखो, रोल नंबर चेक करो किसका है। तो एक बहुत बड़ी खुशी थी। उसके बाद लगा कि नहीं, मतलब दिमाग तो है, पढ़ सकती हूँ मैं भी। तो फिर थोड़ा सा पढ़ने की। टोटल आपकी एजुकेशन कहाँ तक रही? मेरी रही MHSC की, मैंने MSc होम साइंस। तो फिर अपने आप ही ऐसा हुआ कि पढ़ने में थोड़ा सा मन लगने लगा। फिर MHSC मैंने दोनों साल टॉप किया, मैं अपने डिपार्टमेंट की टॉपर रही दोनों साल। फिर उसके बाद एक साल के बाद मेरी यहाँ शादी हुई झांसी में। रेलवे में मेरे पति हैं अनूप अग्रवाल जी, इनसे मेरी शादी, वो भी बड़े अचानक में हुई है कि एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि मैं अपने रिश्तेदार की शादी में आई थी। मम्मी पापा को जबलपुर से आना वापस जाना था, उनका सूटकेस गुम गया, तो वो सूटकेस ढूंढने आए यहाँ पे। GRP में था वो, और उसमें मेरा फोटो बायोडाटा रखा था क्योंकि शादी की उम्र थी तो सब देख ही रहे थे। और वो यहाँ पे चल रहा था अग्रवालों का परिचय सम्मेलन, वहाँ इनसे मुलाकात हुई और आनंद फानंद में शादी मेरी तय हो गई। तो मेरा जहाँ से आना तय था अचानक में हुआ सब कुछ। और ठीक है, उसके बाद से जिंदगी बढ़िया चल रही है। फिर यहाँ आ गई, मैंने काफी पढ़ाई करी है। मैंने इसका सिलाई का कोर्स किया 6 महीने का, कढ़ाई का कोर्स किया, थोड़ा सा कंप्यूटर का भी सीखा। फिर मैंने IGT बॉम्बे का कोर्स किया, फिर फाइन आर्ट्स का 1 ईयर डिप्लोमा खैरागढ़ वाला किया, फिर मैंने MA ड्राइंग पेंटिंग किया, फिर मैंने प्राइवेट स्कूल से टीचिंग शुरू करी एज आर्ट टीचर। कहाँ कहाँ पढ़ाया आपने, कहाँ का बच्चों को शिक्षित किया? मैंने वुड सैरिटीज में सबसे पहले शुरू किया, उसके पहले मैं घर पे क्लासेस लेती थी रेलवे कॉलोनी में लक्ष्मी नगर में। 14 साल मैंने कंटिन्यूस क्लासेस ली है क्राफ्ट की। आर्ट कम था, क्राफ्ट ज्यादा था। तो सॉफ्ट है, मैक्रम है, मेहंदी लगाना, रंगोली बनाना, जितने तमाम तरह का सब था। उसके बाद हमारा एक किटी ग्रुप था, तो उसमें लोगों ने कहा रहे वो नया स्कूल खुल रहा, आप इतनी अच्छी क्राफ्ट करती हो, एक बार ट्राई कर लो। तो वहाँ गए तो उनको भी थोड़ा शक था मेरे ऊपर कि घर पे सिखाना अलग चीज होती है और स्कूल में पढ़ाना अलग चीज होती है। 2-4 दिन इंटरव्यू हुआ, लेकिन अंत जीत हुई कि मेरे को मिल गई वहाँ पे जॉब। तो 5 साल मैंने वुड हेरिटेज में पहले जॉब की और मेरे को लगा कि हाँ मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ, क्योंकि सब सेटिस्फाई थे और मुझे इंक्रीमेंट भी और लोगों से ज़्यादा मिला था। तो मेरे डायरेक्टर भी खुश थे, वो भी बहुत तारीफ करते थे कि बाई लक आप मेरे स्कूल में है। फिर 5 साल बाद पता नहीं क्यों मन भर गया, क्योंकि मेरी फितरत है मैं बहुत ज़्यादा टिकती नहीं हूँ कहीं पे भी, तो वो मैंने छोड़ा। आप आगे बढ़ती हाँ, वो मैंने जॉब छोड़ी और 8-10 दिन बाद ही मेरे KV3 में हो गया, वहाँ भी एज ए आर्ट टीचर। 2 साल वहाँ किया, वहाँ भी कुछ टाइम की प्रॉब्लम थी, फिर वही हमेशा की तरह कि बस हो गया, मन भर गया, करके देख लिया, मैंने वो जॉब भी छोड़ दी। उसके बाद फिर 2-3 महीने में घर पे बैठी, फिर मेरा हो गया रमानाथ विमला देवी खेरा कॉलेज में एज ए लेक्चरर DLED कॉलेज में। तो ये मेरा चलता रहा बराबर, और घर पे भी मेरा चलता रहा। फिर समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ मैं, उपभोक्ता कल्याण परिषद में प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ और पिछले 25 सालों से हूँ उसमें जी। तो वो मेरा एक चल रहा है। फिर आर्ट क्लब में, आर्ट क्लब में भी आपका की सहभागिता है हाँ। और उसके द्वारा आप काफी चर्चित भी रही हैं। हाँ, आर्ट क्लब में रही हूँ मैं, और शुरू में कला पर्व में सहभागिता थी जब यहाँ पे झांसी महोत्सव शुरू हुआ था, तो पुलिन कला दीर्घा से शुरुआत की थी और उसमें जुड़ने के बाद ही वो कारवां आगे चलता गया, आर्टिस्ट से मैं जुड़ती गई और आज एक बहुत बड़ा समूह है हम लोगों का कि हम लोग अपनी आर्ट विधा एक दूसरे से शेयर करते हैं, ग्रुप्स पे करते हैं, वर्कशॉप लगाते हैं। तो एक अपने आप ही इतना अच्छा सब बनता गया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि झांसी है, कि अब झांसी मेरे लिए ऐसा हो गया मैं कहीं नहीं जाना चाहती झांसी छोड़ के। हमारी झांसी भाग गई है, भाग गई झांसी। मना जी, आपके आर्ट वाले पक्ष में आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी, कोई तो था जिसने आपको आगे प्रमोट किया? मेरी पक्की सहेली कामनी बघेल, और उससे पहले डॉक्टर सुभेश जी थे। तो मेरे सबसे पहले मेरे ससुर जी ने मुझसे कहा कि वहाँ एक एग्जीबिशन लग रही, क्योंकि वो रेलवे हॉस्पिटल में CG अग्रवाल साहब सुपरिटेंडेंट थे लैब में। तो वहाँ जो उनकी मैडम थी, उनकी बेटी डॉक्टर सुभेश से सीखती थी, तो उनको जब पता चला कि वहाँ एग्जीबिशन लग रही, तो पापा जी ने मुझसे कहा कि तुम भी एग्जीबिशन में अपना पार्टिसिपेट करो। तो वहाँ जब मैं गई तो डॉक्टर सुभेश, किशन सोनी, राकेश वर्मा और मुकुंद मेहत्रा जी से मुलाकात हुई।
आर्ट के प्रोधा, हाँ प्रोधा जो झांसी के एक जाने माने, हाँ हाँ उनको कोई पा नहीं सकता ऐसे वो गुरु हमारे, तो उनके पास जब गई तब उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आईजीटी बॉम्बे का कोर्स कर लो। मैंने कहा ठीक है सर, मेरे को ज्यादा मिलेगा नहीं, तो मैंने कहा सर हमारे घर का थोड़ा माहौल ऐसा है कि मैं ज्यादा जा नहीं सकती बाहर। तो बोले बेटा तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें घर पे आके सिखाऊंगा। तो वो नगरा में रहते थे और आते जाते मेरी क्लास लेते थे, कभी आते समय कभी जाते समय, लेकिन वो एक डेढ़ घंटा मेरे को सिखाते थे। तो वहां से मेरी कला यात्रा शुरू हुई। उसके बाद मुझे सपोर्ट किया कामनी बघेल ने, मेरी सहेली ने, उसने कहा कि आप वो करो एमए करो ड्राइंग पेंटिंग में, फिर उन्होंने कहा ये वाला कोर्स करो, तो मैं करती गई। वो मुझे प्रेशराइज करती गई, तुम्हें करना है तुम कर सकती हो। तो वो मतलब मेरे लिए बहुत एक कहना चाहिए कि शायद ऐसा कोई प्रेरणा, शायद मेरे को लगता कोई दे नहीं सकता ऐसी प्रेरणा। मना जी आपने बातचीत में बताया था कि आपने गर्मियों की छुट्टी में बहुत सारे बच्चों को आप मुफ्त में भी क्लास सिखाती रही। हाँ मैंने रेलवे कॉलोनी में कंटिन्यूस कैंप लगाए हैं, फ्री कैंप, एक बहुत नॉमिनल चार्ज लेके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं करेंगे बच्चे तो फिर वो महत्व समझते नहीं किसी चीज का। तो आप भले 20-25 रुपए 50 रुपए ले रहे हैं, लेकिन उसमें यह था कि आप बहुत ज्वेलरी सीखी है, जितनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में सब तरह की सिखाती थी, और सॉफ्टवेयर बनाना उसमें टेडी बेयर है, डॉग है और मंकी है, जितना भी सीखना। तो उसमें करीब करीब मतलब मेरे पास एक कैंप में 50 से 70 तक बच्चे आते थे। तो वो सिलसिला आज भी जारी है? अब बच्चों का रुझान कम हो गया, अब जब से बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया तो बच्चे कुछ करने ही नहीं चाहते हैं अब। जी जी जी। अच्छा वरना जी आपके पास जो भी टैलेंट है उसका आपने कोई उत्तराधिकारी तय किया है, क्योंकि कहते हैं कला लुप्त ना होने पाए। हाँ उत्तराधिकारी ऐसा था कि मेरे को जो अपने आसपास दिखते हैं बच्चे टैलेंटेड हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उनको आगे बढ़ाऊँ, मैं उनको फ्री सिखाती हूँ। मैं पहले मेहंदी बहुत अच्छी लगाती थी, अब वो समय के साथ में प्रैक्टिस भी कम होती जा रही है, थोड़ा सा आंखों में ने भी जवाब दे दिया है। तो कुछ बच्चे हैं आसपास जो मेहंदी अच्छी लगाते हैं, तो उनको मैंने अपना पूरा कलेक्शन दे दिया कि बेटा इसको देख देख के आप प्रैक्टिस करो, और मैं उनको भेजती भी हूँ जहाँ बच्चों को तकलीफ आती समझ में नहीं आता उनको, तो वहाँ मैं उनके साथ जाती हूँ, उनको रोजगार भी मिलता है, रोजगार मिलता है, और सीजन में उनको 5-7 बुकिंग मैं करवा देती हूँ बच्चों की। जी वंदना जी आपके और ऐसे कौन से शौक हैं जो लुके छुपे हैं और दुनिया को पता ही नहीं? मेरे शौक है, मुझे समाज सेवा पसंद है, और लेकिन मेरे को मतलब फेस सामने नहीं लेके आना होता, फोटो सेवा पसंद नहीं, फोटो सेवा पसंद नहीं, समाज सेवा पसंद है। और समाज सेवा बिल्कुल एक्चुअल हो कि कोई दवा कुशला है गरीब, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, हम लोगों ने सिलाई मशीन दान की लेकिन कभी नाम नहीं आने दिया, उसके बाद बच्चों को फीस जमा करना, उनकी यूनिफॉर्म देना, उनके बैग देना। और कई बार मैं ये भी करती हूँ, जैसे मेरे पास इतना नहीं है और ज्यादा देना है, तो मेरे जो अपने ग्रुप बने हुए हैं 2-3 में ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, उनसे अपील कर, हाँ उनसे अपील करती हूँ। तो अभी मैंने एक को दिलवाया था, तो मैंने 2 बैग मांगे थे बच्चों के लिए, तो मेरे पास 8 बैग आ गए, तो फिर मैंने उन 8 बैग को दूसरे और जगह भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से मेरा चलता रहता है। और एक मेरा शौक है, वो शायद किसी में नहीं होता, अगर मेरे को ये लगता है ना कि अगर मेरे को किसी में कोई प्रतिभा दिखती है तो मुझे लगता है मैं इसको आगे ले जाऊं, और वो भले ही वो उसके बाद भूल जाए, लेकिन अगर मैं उसको सामने लेके आती हूं और लोग उसको पहचानते हैं, तो मेरे को बहुत आत्मिक खुशी मिलती है कि इस बच्चे को या इस महिला को मैं बिल्डअप किया, हाँ इसको बिल्डअप किया है, इसको सामने लेके आई ये अब। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने आगे बढ़ाया है। जी आपकी और क्या ख्वाहिशें हैं जो अब आपको इस एज में करना बाकी लगती है? मेरी ख्वाहिश जो थी मैंने पूरी कर ली। मुझे जैसे ढोलक बजाने का बहुत शौक था, लोग कहते थे कि शादी के बाद ढोलक नहीं आती, लेकिन मैंने 10 साल प्रैक्टिस करी और 10 साल बाद आखिर इतनी आ गई कि मैं थोड़ा बहुत जहाँ कोई ना हो बजाने वाला वहाँ मैं बजा लेती हूँ। पहले जब मैं देखती थी लोग डांस कैसे करते हैं, हाथ कैसे हिलते हैं, तो मैं बस वॉच करती थी कैसे होता होगा। अब लेकिन इस उम्र में आके 50+ ढोलक बजाना अलौकिक लगता था, अलौकिक डांस करना मुझे लगता था कि कितना कठिन काम है, लोग हाथ कैसे हिलाते हैं, हम तो उंगलियां और हाथ देखते थे उनके एक्शन कैसे होते हैं। लेकिन अब यह है कि बहुत नहीं, लेकिन ग्रुप में भीड़ भाड़ वाला बराती डांस आ गया है, और अब ऐसे रहता है कि जो और कुछ चीजें हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, बाहर जाना, एडवेंचर को देखना और लोगों को प्रमोट करना और छोटे बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को उस मुकाम पे देखना, बस मेरी एक ख्वाहिश ये है कि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे जो चाहते हैं वो उसको हासिल करें, और एक मतलब मेरी जो पहचान अभी तक जो मेरी है वो मेरे बच्चों के नाम से हो जाए। अन्ना जी जैसा कि आपने बताया कि आप उल्लेखनीय काम कर रही हैं, इन सारे कामों में निश्चित रूप से जीवन साथी की भूमिका होती है, उनका क्या रोल रहा? मेरे पति का सपोर्ट नहीं होता तो मैं शायद कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि इनका ये रहता है अगर मैं बता देती हूँ, क्योंकि वो बड़े कठिन जॉब में है, हाँ वो बहुत कठिन में है और शिफ्टिंग जॉब है इनकी, रेलवे तो, में है लोको पायलट। तो अब जैसे मेरे को कहीं जाना होता तो मुझे पता होता 4-5 दिन पहले, तो मैं इनको बताती हूँ कि मेरा ऐसा ऐसा प्रोग्राम है,
तो वो अपना एडजस्टमेंट करके एक्सचेंज करके कैसे भी करके और फिर तुम निकल जाओ आराम से जाओ जो कुछ करना करो, मैं यहाँ हूँ घर पे। तो मेरा ये रहता था कि मैं कभी बच्चों को घर पे अकेला नहीं छोड़ के गई, बच्चे मेरे छोटे थे तो मुझे कहीं जाना होता था मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी, तो मेरे को ये रहता था मैं जाऊँ कैसे इनको छोड़ के, तो वो ड्यूटी अपनी एक्सचेंज करके घर पे रहते थे। मैंने बहुत मैनेज किया है। तो ये थी वंदना अग्रवाल जी जो अपने जीवन साथी की प्रशंसा के साथ साथ अपनी क्रिएटिव यात्रा को भी बंजारा रैबिट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा रैबिट से बात करने के लिए वंदना जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।